नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिलासपुर शहर में खोले जाने वाले एक्सीलेंस सेंटर में किन खेलों से संबंधित उच्च स्तर के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। द एक्सीलेंस सेंटर टू बी ओपन्ड इन बिलासपुर सिटी विल ऑफर हाई लेवल ट्रेनिंग फॉर विच स्पोर्ट्स। ठीक, आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जो हाल ही में बिलासपुर स्टेडियम में एक्सीलेंस सेंटर जो है ना, वो प्रस्तावित हुआ है, तो वहां पर कौन कौन से खेल जो है उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। ठीक, तो आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ खोला गया है, बिलासपुर में खोला गया है, और बिलासपुर का जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है उसको स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। ठीक, और आपको यह भी बताया था कि एक आवासीय हॉकी अकेडमी की स्थापना कहाँ की जानी है, रायपुर में की जानी है। ठीक है, तो आपको फिलहाल इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो एक्सीलेंस सेंटर जो कहाँ खुलने वाला है, बिलासपुर शहर में, और बिलासपुर शहर में कहाँ पर खुलेगा, मैंने आपको बताया था बहतराई स्टेडियम, ठीक है, जिसको बीआर यादव स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इस एक्सीलेंस सेंटर में कौन कौन से खेल से प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स, रेसलिंग और स्विमिंग। ठीक है, याद रखेंगे, एथलेटिक, रेसलिंग और स्विमिंग। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। वेयर द आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। आपके पास ऑप्शन में है बिलासपुर, राजनांदगांव, भिलाई या रायपुर। तो जैसा कि आपको पता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ को वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत कौन सा खेल आवंटित किया है, तीरंदाजी का खेल आवंटित किया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी से संबंधित एक पुरस्कार भी है जो राज्य अलंकरण के रूप में दिया जाता है, आप बताइए कौन सा। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तीरंदाजी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है आपका रायपुर में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना जागरूकता अभियान की आधिकारिक शुभंकर कौन है। द ऑफिशियल मस्कट ऑफ द कोरोना अवेयरनेस कैंपेन इज। देखिए, ये जो कोरोना जागरूकता अभियान है इसका संबंध है आपका दुर्ग जिले से। ठीक है, दुर्ग जिले में एक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत जो दुर्गा पंडाल है, देखिए अभी नवरात्र चल रहे हैं है ना, और अभी माता दुर्गा की स्थापना की गई है, तो उन दुर्गा पंडालों में ये जो आधिकारिक शुभंकर है ना, शुभंकर जो है इसका कटआउट लगाया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो कोविड से बचने के तरीके हैं, ठीक है, यानी मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, बार बार हाथ धोना, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो ये जो शुभंकर है उसका नाम क्या है, आपको प्रश्न में ये पूछ रहे हैं, तो इसका नाम है नन्ही दुर्गा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नन्ही दुर्गा जो है वो कोरोना जागरूकता अभियान की शुभंकर हैं। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के उपाध्यक्षों का सही क्रम क्या है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज। ठीक, आपके पास पहला है श्री बनवारीलाल अग्रवाल, दूसरे हैं श्री धर्मजीत सिंह, बद्रीधर दीवान जी, श्री नारायण चंदेल, श्री मनोज सिंह मंडावी। तो देखिए, जो पहली विधानसभा थी उसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, बनवारीलाल अग्रवाल जी थे। ठीक है, पहले वो थे, वर्तमान में कौन है, श्री मनोज सिंह मंडावी। ठीक, तो यहां से आप इसको पता कर सकते हैं कि आप जिसमें पहला में पहला हो है ना, ये एक नंबर पर हो और अंतिम में पांच नंबर हो, है क्या, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आपको इसका विस्तृत जानकारी दे देता हूं। देखिए, ये है हमारे विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष। ठीक, ध्यान रखिए, ये जो सीक्वेंस है वो यहां से शुरू हुआ है ना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहले कौन, श्री बनवारीलाल अग्रवाल, दूसरे में श्री धर्मजीत सिंह, श्री बद्रीधर दीवान, श्री नारायण चंदेल, श्री बद्रीधर दीवान फिर से एक बार, और फिर वर्तमान में श्री मनोज सिंह मंडावी। ठीक, सीक्वेंस याद रखेंगे, कई बार इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछते हैं। ठीक, आप
इस प्रश्न से मिलाकर देखिए, सबसे पहले में कौन है, श्री बनवारीलाल अग्रवाल जी थे उसमें, ठीक है। दूसरे में धर्मजीत सिंह जी थे, ठीक है। तीसरे में बद्रीधर दीवान जी, ठीक है। नारायण चंदेल जी, ठीक है। इसके बाद पुनः एक बार कौन आते हैं, बद्रीधर दीवान जी आते हैं। और अंत में कौन है, कौन है, श्री मनोज सिंह मंडावी, ठीक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विधानसभा में दो बार विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान की है। Who among these leaders has served twice as deputy speaker of the legislative assembly? तो हमने जैसा कि आपको बताया था अभी पिछले ही स्लाइड में, हमने देखा कि जो बद्रीधर दीवान जी हैं, उन्होंने दो बार विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में विधानसभा की सेवा की है, ठीक है। या वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो दो बार विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, ठीक। कौन, बद्रीधर दीवान जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। द सौर सुजला योजना इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाई, अच्छा आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये जो सौर सुजला योजना है, ये है क्या, सोलर पंप प्रदान करने का एक योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान किया जाता है, उसमें रियायत दी जाती है, ठीक। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो सौर सुजला योजना है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है, कौन से विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में कृषि विभाग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा, क्रेडा द्वारा या विद्युत विभाग के द्वारा। बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्रेडा या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर क्या है, क्रेडा द्वारा, ठीक है। क्रेडा जो है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, वो सौर सुजला योजना का एग्जीक्यूशन करती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में चालू सीजन के दौरान अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी राशि के लघु वनोपजों की खरीदी की गई है। हाउ मच अमाउंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैज बीन परचेज्ड इन द छत्तीसगढ़ स्टेट एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस सो फार ड्यूरिंग द प्रेजेंट सीजन, ठीक। हाल ही में ट्राइफेड ने एक डेटा जारी किया है, जिसके अनुसार ये कहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वो लघु वन उपजों की खरीदी करने वाले राज्यों में अभी तक प्रथम स्थान पर है, ठीक है। यानी सबसे अधिक लघु वनोपज जो है वो किसके द्वारा खरीदा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदा गया है। और कितने का खरीदा गया है, तो उन्होंने कहा 112 करोड़ और 21 लाख रुपए के जो लघु वनोपज हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसकी खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राज्य को सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला लघु वनोपज कौन सा है। Which minor forest product provides highest income to the state? आपके पास ऑप्शन में है, साल बीज, हर्रा बहरा, इमली या महुआ बीज। देखिए अगर यहाँ पर तेंदू पत्ता होता तो तेंदू पत्ता सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला लघु वनोपज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको तेंदू पत्ता ऑप्शन में नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का जो लघु वनोपज है उसके संबंध में आपको पूछ रहा है, ठीक। तो तेंदू पत्ता के बाद वह लघु वनोपज जो सबसे ज्यादा इनकम प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, साल बीज है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने मलबरी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हाउ मेनी मलबरी सेंटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द मलबरी सिल्क डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन स्कीम, ठीक। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में मेनली दो प्रकार के जो रेशम है उसका उत्पादन किया जाता है, एक है मलबरी और दूसरा है टसर। टसर के उत्पादन के लिए कुल 427 केंद्र जो है वो छत्तीसगढ़ में संचालित हैं, और इसके लिए कुल 12,171 हेक्टेयर पर पौधारोपण करके जो कोकून है उनका पालन किया जाता है, ठीक। अगर बात करें मलबरी रेशम की, तो हमारे यहाँ कुल मलबरी केंद्र कितने संचालित हैं, 66 मलबरी केंद्र संचालित हैं, और इसके अंतर्गत कुल 588 एकड़ जो है वहाँ पर शहतूत की खेती की जाती है, ठीक। तो आपको प्रश्न में बेसिकली पूछ रहा है, ये इस डेटा को पूछ रहा है कि कितने मलबरी केंद्र हमारे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितने केंद्र हैं, 66 मलबरी केंद्र जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं।
चलिए, छत्तीसगढ़ में बुनकर संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इन हूज लीडरशिप द बुनकर संघ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो चलिए, ये है आपके लिए होमवर्क, आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना उत्तर हमको कमेंट बॉक्स पर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।